जय हिंद साथियों, मैं कमांडो युवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भर्तियों का दौर जारी है और मेरे युवा साथी हैं वो सब के सब खूब सारी मेहनत करने में लगे हुए हैं, दौड़ करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस दौड़ को करने में काफ़ी युवा साथियों को घुटने से नीचे पिंडली में दर्द रहता है, जिसको हम सीन पेन बोलते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से सीन पेन क्यों होता है और सीन पेन का क्या समाधान है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, सीन पेन होने के क्या क्या कारण हैं? सबसे पहले हम मॉर्निंग में रनिंग स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे वार्म अप नहीं करते हैं। शरीर को बिना वार्म अप के अगर आप शूट मारेंगे या स्पीड रनिंग करेंगे तो आपका सीन पेन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण है आपका रोड रनिंग। अगर आप सड़क पर लंबी रेस करते हैं या शूट करते हैं तो उससे आपका घुटना डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और सीन पेन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तीसरा मुख्य पॉइंट है फुट लैंडिंग। अगर आपकी फुट लैंडिंग है सही नहीं है तो सीन पेन होने के पूरे चांसेस हैं। फुट लैंडिंग को का हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप फुट लैंडिंग कैसे करते हैं देख सकते हैं। चौथा है दोस्तों हैवी वेट। अगर आपका शरीर का वजन ज़्यादा है तो भी आपको सीन पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रनिंग के लिए आप अपना वेट लूज करें और उसके बाद में शानदार रनिंग इम्प्रूव होगी। पांचवा पॉइंट है दोस्तों हार्ड ट्रैक। जिस ट्रैक पर आप रनिंग कर रहे हैं अगर वो ट्रैक हार्ड है तो भी सीन पेन होने के उतने ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। छठा पॉइंट है साथियों, आपके रनिंग शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। हमने रनिंग शूज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो डाला है तो आप उसमें देख सकते हैं। रनिंग शूज़ हैं आपको अच्छी क्वालिटी के और सॉफ्ट सोल के पहनने हैं ताकि आपका पैर का जो लंजिंग है वो कम से कम घुटने तक इम्पैक्ट पहुंचे। साथ ही शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी सीन पेन होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप कैल्शियम और विटामिन की टेबलेट कंटिन्यू खाते रहें। दोस्तों, सीन पेन क्या होता है और कहाँ पर होता है इसको आप देखें। साथियों, घुटने से नीचे दो हड्डियां होती है, टीबिया और फेबुला। छोटी हड्डी फेबुला होती है, बड़ी हड्डी टीबिया होती है। टीबिया हड्डी का जो मसल्स है वो सूजन आ जाती है उसमें ज़्यादा रनिंग करने से, तो उस सूजन के बाद में धीरे धीरे ये फ्रैक्चर का रूप ले लेता है। हड्डी और मांस है दोनों जगह छोड़ देते हैं और उसके अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ का सेवन करना पड़ता है। यहाँ पर ये टीबिया हड्डी है, टीबिया हड्डी और मसल्स के बीच में यहाँ पर सीन पेन स्टार्ट होता है। इस जगह पर यहाँ पर सूजन आ जाती है, ये दर्द नीचे से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। साथियों, सीन पेन होने के कारण आपको हमने इस वीडियो में तसल्ली से बताए हैं, साथ ही सीन पेन क्या होता है और कहाँ पर होता है इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। अभी बचता साथियों इलाज। इसका केवल एक ही इलाज है, ज़्यादा से ज़्यादा जिस जगह पर स्वेलिंग आ रखी है उस जगह पे बर्फ़ से सिकाई करें। दिन में 4 से 5 बार बर्फ़ से सिकाई करें और कैल्शियम की गोली परमानेंट खाएं, कैल्शियम और विटामिन की गोली। इस दर्द में कैल्शियम की गोली ही रामबाण इलाज है। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा स्वेलिंग है तो बर्फ़ का सिकाव करें और आराम करें, शूट मारने से परहेज करें, तभी आपका ये दर्द ठीक हो पाएगा। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम वीडियो में और इम्प्रूव कर पाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।